नमस्कार पशुपालक साथियों, आज मैं कीड़े की दवा के महत्व को बताने के लिए एक कॉमेडी के माध्यम से आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ खो गए थे? जल्दी करो, कंट्रोल ही नहीं होता। दिन में 10 बार जाना पड़ता है, और तो और गोबर की बदबू। छी छी छी। क्या मैंने बोला था ना, कीड़े की दवा ले लो। ए लो, आगे छमक छल लो, अब यही आपकी अकल खटका लगाएगी। ये क्या दुकान पे तो हल्ला मचा दिया है, अब कौन सा नया झमेला है? अच्छा तो ये मामला है, आप लोग मेरे कहने पे वैक्सीनेशन पर तो गए थे, लेकिन डीवॉर्मिंग की बात अनदेखी कर दी थी ना? डीवॉर्मिंग? हाँ, ये कीड़े गांव में दीमक की तरह फैले हुए हैं, और इसी रोग के कारण आपको डायरिया आए दिन होता रहता है, और तो और आपकी दूध की मात्रा में भी कमी हो गई होगी, क्यों है ना? एक पर्सनल सवाल पूछूं, संभोग करने की इच्छा में भी कमी हो गई है ना? अरे छोड़ो, उसकी तो याद ही मत दिलाओ। संभोग होता भी है तो प्रजनन का तो नामो निशानी नहीं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। आप सभी के पेट में इस वक्त कीड़े पल रहे हैं, कीड़े, उनको कृमि भी कहा जाता है। महीनों तक वे आपके गोबर घास गांव की जमीन में छुपके पड़े रहे थे, और फिर मौका देखकर आपके अंदर घुस गए। यह आपको बिल्कुल अशक्त बना देता है। खाते आप हैं, लेकिन तंदुरुस्त वो बनते हैं आपका खाना खा खा के। भाइयों और बहनों, अगर इनसे छुटकारा चाहिए तो हमें इनको एक साथ खत्म करना होगा। क्या आप इनको खरीदने के लिए तैयार हैं? जी, जी तैयार, तैयार हैं। तो हमला करें, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आपको लगता होगा कि पोषक तत्व ले लेने और समय पर टीका करा लेने से स्वस्थ रहेंगे व दूध की मात्रा बढ़ेगी, तो यह गलत है। कीड़े की दवा भी दूध की मात्रा बढ़ाने व शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही जरूरी। डॉक्टर साहब, अब इनको ये तो बताएं कि इन्हें ये डीवॉर्मिंग कब कब करवानी चाहिए? बछड़े को उनके जन्म के 15 दिन में पहली बार व 6 महीने तक प्रत्येक महीने एक बार देते रहें कीड़े की दवा, और पुनः 6 महीने से ज्यादा वाले पशु को साल में 2 बार, एक बरसात के पहले और एक बरसात के बाद कीड़े की दवा जरूर देनी चाहिए। यह जब आप समय पर कीड़े की दवा दे देते हैं तो आपकी पशु स्वस्थ रहेगी और दूध की मात्रा बढ़ेगी। यदि इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो गाय की गोबर की जांच जरूर करवा लें। क्योंकि कृमि अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो शरीर के अलग अलग अंग जैसे जिगर, आंतों और फेफड़े में जाकर खून चूसते हैं। लेकिन घबराइए मत, इन सभी की दवाइयाँ अब मिल जाती हैं। आपने देखा होगा इस वीडियो में गाय जो बोलती है बार बार डीवॉर्मिंग शब्द का यूज करती है। डीवॉर्मिंग का मतलब होता है कीड़े की दवा। इस वीडियो को आप दोबारा देख भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, जहां डीवॉर्मिंग बोल रही है गाय, इसका अर्थ है कि वो कीड़े की दवा बोल रही है। कीड़े की दवा समय पर देनी चाहिए, कब क्या है उस वीडियो को भी देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आगे हम एक पशुपालक को दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि कीड़े की दवा देने से उन्हें क्या लाभ हुआ। मुझे पता था कि बछड़े में कीड़े होते और उनका डीवॉर्मिंग करना पड़ता है, लेकिन बड़े पशु में भी कीड़े होते और उसके दूध उत्पादन में कमी होती है, इसकी जानकारी मुझे 1 साल पहले हुई। इस 1 साल के अंदर मैंने मेरे सारे पशुओं का डीवॉर्मिंग करवाया, इसलिए सभी पशुओं की सेहत बहुत अच्छी है और दूध उत्पादन पहले से बढ़कर ज़्यादा हो गया है। मैं मेरा नफा बढ़ाने के लिए ये डीवॉर्मिंग समय समय पर करवाता रहूँगा। अब आई बात समझ में?
करवाएंगे ना डीवॉर्मिंग सही समय पे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।